मोदी सरकार ने हाल ही में लोगों को एक खास मौका देने की योजना बनाई है। दरअसल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश भर के नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए टोल प्लाजा पर एक खास नियम लागू किया है। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर टोल वसूलने में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम लागू किया है, जिसे फास्टैग कहते हैं। इसलिए मंत्रालय ने कहा है कि 15 दिसंबर 2019 से टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों पर फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने यह फैसला डिजिटल मनी को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इससे यात्रियों को टोल पर लंबी लाइन में अब नहीं लगना होगा। साथ ही ये नियम प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से आप भी मात्र 50,000 रुपए के निवेश से कमाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये योजना। ऐसे बचा सकते हैं फास्टैग से। दुनिया में हाईवे पर चलने वाली कार, ट्रक आदि पर अब फास्टैग लगना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में आप उन वाहनों को फास्टैग बेच सकते हैं जो 15 दिसंबर के बाद नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरते हैं और उनके वाहन पर कोई फास्टैग नहीं लगा है। इसका एजेंट बनने के लिए आपको मात्र 3 चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप, प्रिंटर और बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। इसके लिए आप कम से कम 50,000 रुपये का निवेश कर सकें। हालांकि उन लोगों को खास वरीयता दी जाएगी जो वर्तमान में RTO एजेंट, कार डीलर, कार डेकोर, ट्रांसपोर्ट्स, PUs सेंटर, फ्यूइंग स्टेशन, फ्यूलिंग स्टेशन, इंश्योरेंस एजेंट, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट तौर पर काम करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।